What's up guys? Welcome to our YouTube channel Beard Bros. अभी बहुत दिन हो गए खाना नहीं खाया नहीं खाया मतलब बहुत दिन नहीं हो गए, एक ही हफ्ता हो गया है। Yes. तो लेकिन आज मिसर नहीं खाने आया ना, क्योंकि रात हो चुकी है। रात हो गई है, मिसर जो है वो नाश्ते वाला सीन है। ये आज कुछ अलग हटके करने वाले हैं। शाम का नाश्ता, शाम का इवनिंग स्नैक्स हम खाने वाले हैं। तो आज आ गए हैं देसी स्वाद में, देसी स्वाद में आ गए हम। यहाँ पे क्या खाने आए पता, क्या खाना है ये लेके आ गया मेरे को, मेरे को मालूम नहीं क्या क्या खाना। मग्गा मैगी। क्या? मग्गा मैगी। मग्गा मैगी वो मग्गे में डाल के देते हैं। मग्गे में मैगी होगी, पता नहीं क्या होगा, देखते चलो। ठीक है चलो देखते। गाइस यहाँ पे आ चुके हैं हम, अभी खाने वाले हैं मग्गा मैगी। लेकिन उससे पहले बात करते हैं गौरव सर से। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ही इज द ओनर ऑफ दिस रेस्टोरेंट कम कैफे, लाइक इट्स अ वंडरफुल प्लेस। तो ये मग्गा मैगी है क्या? मतलब मैगी को मग्गे में क्यों डाला आपने? ये ऐसा है कि मैगी और चीज़ के अलग अलग लेयर्स आते हैं इसमें। okay. और उसके उससे ये फ्लेवर तैयार होता है उसका, चीज़ी मग्गा मैगी जो अपन सर्व करते हैं। हाँ, वो मैगी और चीज़ का कॉम्बिनेशन है, अलग अलग फ्लेवर्स है उसमें। हाँ, पेरी पेरी और शेजवान और क्लासिक। अरे आगे आप दे सकते हैं। वाओ नाइस। ये भाई ये बहुत हैवी लग रहा है मेरे को। यस ये बहुत, ये देखो आप इसमें लिक्विड चीज़ और मैगी के अलग अलग लेयर्स है। यस Wow. So usually how many people eat this? Like कितने लोगों के लिए सर? टू थ्री पर मग। थ्री पीपल पर मग। वाओ वाओ। डिपेंड्स अपॉन देयर हंगर, बट दो लोग से तीन लोग। अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने दो अलग अलग फ्लेवर मंगाए। आई गेस ये शेजवान, ये पेरी पेरी है। और इसमें एक और फ्लेवर आता है क्लासिक क्लासिक, विच इज क्लासिक मैगी विद चीज एंड एवरीथिंग। दिस has शेजवान, like शेजवान flavor है इसमें, और ये वाला पेरी पेरी। These two are little bit spicy. Yes, ये थोड़ा classic से spicy है थोड़ा। हाँ, okay, so like जैसे आपके taste buds होंगे वैसे आप order कर सकते हैं। Like if you like spiciest कौन सा होता है? ये दोनों same moderate level spicy. Moderately spicy, so you can add like order this if you want spicy things, but if you can't handle the spice, you can order the classic cheese. Classic one, yes. Absolutely. Okay, अब ये आ गया ना, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे एक हमारी एक पुरानी यादें ताज़ा हो रही है। हमको ऐसा लग रहा है कि हमने आज है ना फूड चैलेंज करना चाहिए। जरूर, है ना फूड चैलेंज, क्योंकि ये दो से तीन लोग खाते हैं तो ये मेरे ईगो को लग गया है, ये मुझे ख़त्म करना है अभी। फास्ट खत्म करके दिखाइए तो मजा आएगा। हाउ डू यू ईट दिस? लाइक इसमें ही खाते या फूड इसमें फोक से खा सकते हैं? ओके, आप प्लेट में, प्लेट में सर्व करके भी खा सकते हैं। इसमें खाएंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। यस एग्जैक्टली। चलिए फिर शुरू करते हैं। अभी अभी तो डन, अभी फूड चैलेंज ही करेंगे ब्रो। ठीक है चलेगा। पनिशमेंट पनिशमेंट पनिश सोच के तो नहीं आए, देखते सोचेंगे। ऑलराइट। वाह वाह, बातें तो कर दी है, अभी खाना पड़ेगा एक्चुअली। ये गले तक आ गया है। समझ बट इसका ना स्मेल बहुत अच्छा आ रहा है, तो ऐसा टेम्पटेशन टेम्पटेशन हो रहा है। बहुत ये मैंने विशु से झगड़ झगड़ के लिए, ये उसने पहली पहली लिया है, मैंने शेजवान ट्राई करने वाला हूँ मैं। बट ठीक है एक बाइट दे सकते हैं। हाँ चलेगा। आई एम रेडी, आर यू? या चालू हो गया तो ख़त्म करना पड़ेगा। चलेगा भाई चलो शुरू। 1 2 3 स्टार्ट। हो ब्रो ब्रो ब्रो, लुक एट दिस। दिस इज यम। वाओ, पहले चीज का फ्लेवर आ गया,
फिर जो पेरी पेरी का हल्का सा पंच, सेम थिंग हैपेंड हियर बट अब शेजवान का फ्लेवर है. ओहो हो ऑसम. आई कैंट बिलीव मैं मैगी खा रहा हूँ. चलो अभी चैलेंज है भाई, फास्ट खाना पड़ेगा. हाँ थोड़ा गर्म है ना. अच्छा मैं चीज वेस्ट नहीं करने जा रहा. बहुत गर्म है. I'll do this. मतलब ठंडा होगा तो मेरे को खाते आएगा. ऐसे फायर फील हो रहा है मेरे को. Bro, look at this. पूरा चीज़ एंड मेयो में डिप्ड है. उसमें वेजीज भी है बहुत सारे, बट चीज़ एंड मेयो इज एवरीवेयर. सर एक लेयर में पूरे नीचे तक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर था. वाओ. इसका टेस्ट बहुत अच्छा है लेकिन गर्म भी उतना है. बढ़िया लग रही है बॉस. अच्छा मैं एक ट्राई तो करूँ. पेरी पेरी. वाह भाई झगड़ के लिए भाई. मैंने एक्चुअली उसके लिए झगड़ना चाहिए था लेकिन शेजवान इज ऑल्सो गुड. वो भी बहुत सही है भाई. ये इतना गर्म कैसे खा रहा है यार. ये खाने के बाद मैं ये भी खाऊं. ये किसने मांगा? अरे पहले थोड़ी पता था फूड चैलेंज करने वाले. नहीं ये क्रू का काम है. ये हमारे क्रू का काम है. अभी क्रू को खाना पड़ेगा. ये भैया ये लेके जाओ, ये इनको खिला दो. भाई पसीने आ रहे हैं. बहुत पसीने आ रहे हैं. देखो पुरानी यादें ताज़ा हो गई. I'm still working. भाई मज़ा आ गया. मज़ा आ गया. मज़ा आ गया. और ये जो पुरानी यादें ताज़ा हो गई है. मतलब मैं हमेशा जीतता हूँ, अक्षय हमेशा हारता है. ताज़ा कुछ नहीं. बियर्ड को निकालेगा. अभी इसकी पनिशमेंट इसको बियर्ड निकालनी पड़ेगी. इतना ये बात नहीं हुई थी अपनी. ये मैं जीतता हूँ. ना जीतता. माफ किया. बट भाई सही है. घर आई एक नन्ही परी. ब्रो ये जगह बहुत सही है. यहाँ पे फूड भी अच्छा है और वाइब भी अच्छा है. अच्छा ठीक है, मेरा बोलना अलग था. चलो जाते हैं भाई. गौरव भाई. यस
ऐसा लगा, मजा आ गया बहुत, पसीने पसीने छूटे मेरे को लगा थोड़ा सा स्पाइसी होगा, ये तो कहर था, मजा आ गया लेकिन बहुत सही वाला स्पाइसी था। यस मेरे को बताओ ये जो है सब चीज़ें ये कौन बनाता है? ये मतलब हमारा स्टाफ है वो बनाता है, लेकिन हमने सब मिल के रेसिपीज ये तैयार की है, सब हमारी खुद की रेसिपीज है। ये आपने रिसर्च करके, साइंटिस्ट करके, ट्रायल्स लेके, ये सब हर एक चीज में डिटेलिंग करके हमने ये रेसिपीज बनाई। वाओ, सो लाइक ग्रेट, मतलब ये आपको कहीं पे और खाने नहीं मिलेगा, ये जो फ्लेवर्स है ये जो है सब को यहीं पे आना पड़ेगा, यहीं पे आके आपको खाना पड़ेगा। वाओ, लाइक मेरे को एक्चुअली और चीजें ट्राई करने की, हाँ वही मैं आपको बोला कि और नाम अभी जल्दी फुल हो गए, मैं 2 दिन मैगी नहीं खा सकता अभी। एक काम करते हैं, अगला वीडियो मतलब इसके बाद में एक स्पेशल वीडियो करेंगे देसी स्वाद के मेन्यू पे, एवरीथिंग यू हैव जो भी आपने नया अलग से बनाया हम सब चीजें ट्राई करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए We'll thank see you, you. Thank soon. You. Thank you. Yes. So बोलो देसी स्वाद आओ, देसी स्वाद आओ और सब चीजें ट्राई करो, ट्राई करके जाओ और बियर्ड ब्रोस को सब्सक्राइब, बियर ब्रोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे फॉलो करो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो। थैंक यू, थैंक यू, क्या बात है, थैंक यू, चलो बाय बाय।